हेलो स्टूडेंट, नकल प्लस अकल इक्वल टू सफल वाले क्लास में आपका स्वागत है। माय खुर्शीद एक्सपेडिशन यूट्यूब चैनल से आज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड रूट्स बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर क्वेश्चन में लिख देता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, तब तो फार्मूला लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप फैक्टर के माध्यम से भी कर सकते हैं, जो पिछले वीडियो में आपको बताया गया। ठीक है, आइए इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के हेल्प से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन ए, 3x² - 5x + 2 = 0। सबसे पहले स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है उससे हम क्या करें, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। इससे जब कंपेयर करेंगे देन क्या होगा, a इक्वल टू हमारा 3, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू -b + √(b² - 4ac)² 2। बच्चे यहां तक लाइक के देते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू -b, ये फार्मूला में माइनस रहता है। ठीक है, ये फार्मूला का माइनस है, बच्चे अक्सर यहां मिस्टेक करते हैं, तो -b और b ऑलरेडी निगेटिव है, तो यहां -b, तो ब्रैकेट में -5 जरूरी है। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, ये माइनस फार्मूला का है, अगर b की वैल्यू ऑलरेडी निगेटिव है तो उसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे। आप जल्दीबाजी में क्या करते हैं, डायरेक्ट माइनस ध्यान नहीं देते हैं, वो माइनस में डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं, आंसर हमेशा गलत आ जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। फिर +b² - 5 का² - 4 a का मतलब 3 और c का मतलब 2 होल अपॉन 2 इंटू a का मतलब 3। चलिए, तो माइनस इंटू माइनस मिलकर प्लस, ये हो जाएगा 5, +5 का √(25) - 4 = 2 = 24, होल अपॉन 3 = 6 = 5, +√(1) / 6 = 5 + 1 का √(1) ही होता है अपान 6। अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन। जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो x = 5 + 1 / 6, 6 / 6 = 1, पहला आंसर आ गया। टेकिंग नेगेटिव साइन तो x = 5 - 1 / 6 = 4 / 6 = 2/3, एक्स की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया और 2/3, यही आपका आंसर आ गया। हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी जितने पावर होता है उतने ही रूट्स होता है, अगर पावर 3 है तो 3 रूट्स होंगे, पावर 4 है तो 4 रूट्स होंगे, लेकिन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपके 2 ही रूट्स हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए।